रेवा वन विभाग ने जिले भर में तेंदूपत्ता के शाख कर्तन का काम तेजी से जारी रखा है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। जिले में शाख कर्तन का काम 22 मार्च तक किया जाना है। बताया गया है कि इस बार जिले में 27,500 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण किया जाना है। वहीं पिछली बार लक्ष्य से अधिक 30,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया था। मौसम में बदलाव के कारण शाख कर्तन का काम कुछ दिन तक प्रभावित रहा, लेकिन मौसम साफ होते ही इसे शुरू कर दिया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान अच्छी गुणवत्ता के पत्ते इकट्ठे किए जा रहे हैं। शाख कर्तन की प्रक्रिया के बाद पत्तों को निकलने में 45 दिन का वक्त लगता है, इसलिए 2 मई के आसपास तेंदूपत्ता का संग्रहण शुरू किया जा सकेगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना जताई है, इसलिए तेज गति से शाख कर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुपम शर्मा DFO रीवा ने बताया कि काम सही ढंग से हो सके, इसके लिए वन विभाग ने पहले ही ग्राम लघु वनोपज समितियों, ठेकेदारों के प्रतिनिधियों सहित विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया था। अभी 15 से 22 मार्च के बीच में शाख कर्तन का काम किया जा रहा है। शाख कर्तन मतलब कि तेंदू के पौधों का प्रूनिंग। इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट फ्लश निकलता है तेंदू पत्तों का, वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होता है, जिससे व्यापारी उनका बेहतर दाम देते हैं। और ये सारा शाख कर्तन का काम हमारी सभी प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के द्वारा किया जा रहा है और हमारे वनकर्मियों के, रीवा वन विभाग के वनकर्मियों के निगरानी में किया।